हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी के 10 महत्वपूर्ण रचनाएं सीखेंगे जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दिमाग में छाप दो। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट है, धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सागर की लहरों पर किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयप्रकाश भारती, ऑप्शन बी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं? ऑप्शन ए इंशाअल्लाह खान, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी सदासुख लाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट प्रश्न, ठलुआ कल्ब के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुलाब राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए प्रकाश भट्ट, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न, लहरों के राजहंस के लेखक हैं? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए था, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन राकेश। नेक्स्ट, अद्भुत आलाप के कवि हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन सी हरिओध, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, साकेत किस युग की रचना है? ऑप्शन ए भारतीय युग, ऑप्शन बी प्रगतिवादी युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी छायावादी युग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्विवेदी युग। तो फ्रेंड्स, ये थे क्लास 12th हिंदी के 10 महत्वपूर्ण रचनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।